तुम्हें चार फोर्थ स्टेज में है कैंसर, पता नहीं अचानक पता चलता। अचानक कैंसर भी ऐसी बीमारी है पहले दूसरे में नहीं मालूम होती, सीधे तीसरे में मालूम होती है, चौथे में मालूम होती है। अब अल्लाह याद आ रहा है, अब मस्जिद याद आ रही है, अब जिक्र याद आ रहा है। उलमा का कौल सुन लो, मैं कौन होता हूं अपनी बात बोलने के लिए। सुभान अल्लाह, मिन शुरूति तौबा, तौबा की शर्त यह है, अंतका मिन अल मुकल्लफ قبل ان يصل الى حاله لا تمكن الحياه بعدها عاده। ऐसे वक्त तौबा करनी चाहिए जब जिंदगी की उम्मीद हो, जिंदगी की उम्मीद खत्म होने के बाद अगर वो तौबा कर रहा है तो उसकी तौबा का वो मकाम नहीं है। सुभान अल्लाह, बाकी अल्लाह कबूल करने वाला है। उलमा का मैंने लफ्ज जिक्र कर दिया, और हदीस अल्लाह के रसूल की क्या है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, तिर्मिजी की हदीस है, सही हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह अज्ज वजल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अज्ज वजल यकबलु तौबत अल अब्द मा लम युगरगिर, अल्लाह ताला इंसान की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक के हलक तक जान ना आ जाए, गरगरे की आवाज ना हो। कब तक गरगर, सांस बात बंद हो गई है इनकी, गरगर की आवाज आ रही है। अब अल्लाह याद आ रहा है, अब कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, तौबा के लिए भी वक्त है हमारे पास। सुभान अल्लाह,